हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी योगी में। मैं डॉक्टर योगेन सिंह। आज नेक्स्ट वीडियो लाए हम मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करेंगे। इससे पहले हमने बात की थी जीन इंट्रैक्शन की, ठीक है। टेबल के माध्यम से समझेंगे इसे। हम इधर लिख देते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इनके फादर हैं, कहते हैं फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हैं आपके कॉल ल्यूटर। ओके, चलिए बात करते हैं। इसका दूसरा नाम भी है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ओके, इधर बात करते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। इसका दूसरा नाम है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। ओके, चलिए देखिए पहले अर्थ समझ लें इसका। पॉली मीन्स होता अधिक, मोर देन वन। जेनिक मीन जीन्स, यानी ऐसे इनहेरिटेंस जिसमें एक से ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। इसी प्रकार मोनोजेनिक, ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें केवल मोनो सिंगल जीन ही आपका इन्वॉल्व होगा। अब बात करते हैं सिंगल जीन है तो जीन के कारण क्या है, इसकी क्वालिटी जो है क्वालिटी के बेस पर इनहेरिटेंस होगा और इसमें जीन्स की क्वांटिटी के बेस पर होगा, ठीक है ना। अभी हम क्लियर करते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम पहले स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो इस स्किन कलर वर्क जो किया था आपके डेवन पोर्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्क किया था। तो स्किन कलर जो होता है वो डिपेंड करता है थ्री जीन्स पर, डिपेंड्स ऑन थ्री जीन्स। ओके, थ्री जीन्स का मतलब दैट इज सिक्स एलील हो गए, सिक्स एलील पर डिपेंड करेगा। ओके, चलिए बात करते हैं। तो हम क्रॉस कराते हैं, पहले हम करते हैं बात एलील की। बी वन ये एक जीन टू एलील हो गए, बी टू सेकेंड जीन टू एलील, बी थ्री थर्ड जीन टू एलील। ओके, दूसरा एक को हम मेल लेते हैं, अब एक फीमेल लेते हैं, राइट। बी थ्री आपका थ्री जीन सिक्स एलील, ये आपका फीमेल हो गया। ये पेरेंट्स हैं, हम गैमेट्स की बात करें तो प्रत्येक जीन के ग्रुप में से एलील के ग्रुप में से एक एलील आएगा गैमेट्स में, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। हैप्लॉइड गैमेट्स का निर्माण होता है, तो यहाँ पर हैप्लॉइड में क्या होगा, B1, B2 एंड B3 एक गैमेट बनेगा, क्योंकि ये बनेगा आपका स्पर्म, ठीक है। इसके बाद ओबम की बात करें तो ओबम बनेगा आपका B1, B2 एंड B3 ये बनेगा ओबम। क्रॉस होगा, क्रॉस के बाद जो F1 जनरेशन आएगी फीलियल जनरेशन, उसमें क्या होगा, ये पेयरिंग करेंगे तो पेयर में कंडीशन आएगी B1 के साथ स्मॉल V1, B2 के साथ पेयरिंग हो गया V2 का, और V3 के साथ पेयरिंग होगा B3 का। ओके, तो ये करैक्टर जो होगा, देखिए यहाँ पर जो करैक्टर है वो है डार्क कलर। कैसा, वेरी डार्क कह दें आप, क्या कहते हैं, वेरी डार्क। ये कैसा है आपका, लाइट। कैसा, लाइट कलर है, इसे लाइट ना करें, वेरी लाइट कहेंगे, ठीक है, वेरी लाइट। जो स्किन का कलर है वेरी लाइट है, और यहाँ स्किन का कलर है वेरी डार्क। डार्क मतलब यहाँ समझ लीजिए जैसे नेग्रो जो कलर होता है, नेग्रो वाला, ठीक है ना, जो अफ्रीकन में होते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप देखें थ्री जीन डोमिनेंट हैं, तो ये करेक्टर हो जाएगा, स्किन कलर हो जाएगा इंटरमीडिएट, स्किन कलर हो जाएगा मध्य का होगा, ना पूरी 100% डार्क होगा ना ही वेरी लाइट होगा, बीच का होगा दोनों का। ओके, अब बात करते हैं हम इसके F2 जनरेशन में जाएं, कैसे जाएंगे, हम दो इस हाइब्रिड को लेंगे, दो को, एक मेल और एक फीमेल, यदि उनके बीच मेटिंग कराते हैं तो उसमें जो जनरेशन प्राप्त होगी तो वो कहलाएगी F2 जनरेशन, ठीक है। तो F2 जनरेशन में कंडीशन क्या होगी, हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यदि हम इसको पुन्नेट स्क्वायर से करेंगे तो पुन्नेट स्क्वायर से कैसे करेंगे, हम पुन्नेट स्क्वायर बनाएंगे इस प्रकार, उसमें इसके गैमेट कितने बनेंगे, देखिए 1
इसके आपके बनेंगे, इससे पेयरिंग करेगा, फिर इससे करेगा, तो देखिए गैमेट बनेंगे बी वन बी वन और आपका सॉरी बी वन बी टू विद, एक बार ये इससे पेयरिंग करेगा फिर इससे करेगा, ठीक है ना, फिर दूसरी बार ये इससे करेगा पेयरिंग। इस प्रकार हम गैमेट बनाएंगे, फिर गैमेट्स को क्या करेंगे हम, गैमेट्स बना करके इसको हम इसके अंदर रख देंगे। इस प्रकार वो पिन्नेट स्क्वायर है हमने बात करी थी, एक तरफ रख देंगे फीमेल के गैमेट और एक तरफ रख देंगे मेल के, फिर वो जनरेशन को प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये हम डिटेल में नहीं जा रहे, हम शॉर्ट में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट में ये है कि कैपिटल बी ये डोमिनेंट बी है वो कितनी बार आएगा, देखिए एक कैपिटल बी आएगा सिक्स बी आएंगे, सिक्स बी का मतलब हो गया ये कंडीशन जिसमें सभी डोमिनेंट होंगे सिक्स एलील, ठीक है ना। और क्या होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें केवल फाइव बी ही डोमिनेंट होंगे, यानी एक कोई सा भी एक रिसेसिव होगा, यानी हो सकता है बी थ्री कैप डोमिनेंट ना होकर के रिसेसिव हो जाए, ये वाला यहाँ आ जाए स्मॉल बी हो जाए, स्मॉल बी समझ गए ना, ये वाली कंडीशन हो जाए ये, ओके। चलिए इसी प्रकार फोर बी की बात करें, कुछ ऐसे भी होंगे जो फोर बी होंगे, फोर बी का मतलब हो गया वन टू थ्री फोर, फोर डोमिनेंट होंगे कोई से भी, इसके बाद टू जो हैं वो टू रिसेसिव होंगे, इनमें से कोई से भी टू होंगे यहाँ, ठीक है ना। इसी पर बात करें थ्री बी, थ्री बी का मतलब हो गया ये वाली कंडीशन कि इसमें थ्री बी कोई से भी थ्री बी डोमिनेंट होंगे और सेज जो होंगे रिसेसिव होंगे, ठीक है। इसके बाद करते हैं टू बी की, इसका मतलब ये हो गया कि केवल टू बी ही डोमिनेंट होंगे और सभी फोर जो हैं इस वाली रिसेसिव कंडीशन में होंगे, ओके। वन बी, वन बी का मतलब हो गया केवल एक बी डोमिनेंट होगा, सिंगल बी ही डोमिनेंट होगा, जो फाइव होंगे वो रिसेसिव वाले होंगे, यानी हम कह दें ये वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है, जिसमें एक बी और फाइव बी कैसे रिसेसिव, वन बी केवल आपका डोमिनेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपकी जीरो बी, यानी ये वाली कंडीशन जिसमें कोई भी बी डोमिनेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हमें जो जनरेशन प्राप्त होती है वो जनरेशन मिलती है वन आपका, ये वन के बाद मिलेगा आपका सिक्स फिफ्टीन ट्वेंटी फिफ्टीन सिक्स वन, ये आपके हमें मिलेंगे फिनोटाइप, ठीक है ना, क्या मिलेंगे फिनोटाइप। तो फिनोटाइप कितने होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन फिनोटाइप हमें प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो इनके करैक्टर की बात करें तो करैक्टर देखिए आप, ये 100% कैसा होगा, वेरी डार्क, कैसा होगा वेरी डार्क, ठीक है। ये कैसा होगा, ये बीच का ले लेते हैं हम, ये हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ये कैसा हो जाएगा लाइट, ये कैसा हो जाएगा वेरी लाइट, वेरी लाइट, ओके। ये कैसा हो जाएगा फेरी लाइट, फेरी लाइट हो गया, ये फेरी हो जाएगा फेरी लाइट, फेरी डार्क, ये हो जाएगा डार्क, ओके। ये करैक्टर आपके होंगे, तो आप देखें कितने फिनोटाइप हैं, सेवन तो आपको फिनोटाइप मिलेंगे, कितने मिलेंगे सेवन फिनोटाइप्स मिलेंगे, और क्या मिलेंगे आपके 27 जीनोटाइप्स होंगे, 27 जीनोटाइप्स होंगे, क्लियर हो गया। तो जैसे याद रखें 27 जीनोटाइप्स होंगे, यदि हम पुन्नेट स्क्वायर बनाते तो उसमें जीनोटाइप को सेपरेट करते तो हमें 27 प्रकार के डिफरेंट आपको कॉम्बिनेशन प्राप्त होता इन डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में, वो कहलाता जीनोटाइप, ठीक है। तो आपके यहां तक हमने बात क्लियर कर ली। चलिए अब बात करते हैं इधर 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 बात करें, देखिए यहाँ पर जो 6B है तो B की क्वांटिटी जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे मिलेनियम फॉर्मेशन कम होता जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि B की क्वांटिटी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा उस स्किन का कलर, क्वालिटी पर नहीं। यदि क्वालिटी होता तो क्वालिटी की बात यहाँ कर लेते हैं हम, जैसे हमने मेंडल में किया था कैपिटल टी और स्मॉल टी ये कैसा है टॉल, ये कैसा है डॉर्फ, कैसा है ये प्योर टॉल, ये कैसा है डॉर्फ। इस पी प्लांट को हमने क्या, एक को मेल माना एक को फीमेल, गैमेट की बात करें ये पेरेंट्स हो गए और ये गैमेट्स हो गए, गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स बनेगा टी और स्मॉल टी, ये पॉलिंग्रेन और ये ओबम, क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस में जनरेशन आएगी कैपिटल टी स्मॉल टी हेट हो जाएगा, यानी ये होगा आपका इम्प्योर टॉल, हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड होगा, कैसा होगा मोनो हाइब्रिड टॉल, ठीक है। यदि इसकी एफ टू जनरेशन में जाएं ये होगी आपकी एफ वन जनरेशन, एफ टू जनरेशन में जाएं तो आप जानते हैं एफ टू जनरेशन क्या था, हम सेल्फिंग कराते हैं, क्या कराते हैं सेल्फिंग टी टी और टी टी के बीच सेल्फिंग कराएंगे, टू प्रकार के गैमेट बनेंगे टी टी और टी टी, हम इसको एक उसी फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और उसी फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट, इस फीमेल पार्ट में बनेंगे टू प्रकार के गैमेट। यदि जनरेशन की बात करें एफ टू जनरेशन की तो एफ टू जनरेशन आएगी आपकी टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी ये आएंगे आपके वन
ये टू, ये वन, ये कैसे होंगे टॉल, ठीक है ना, ये कैसे होंगे टॉल, थ्री टॉल वन डॉर्फ। ओके तो यहां पर देखें आप जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो आपका, जीनोटाइपिक रेशियो आपका थ्री, यानी जीनोटाइप की जो संख्या है वो थ्री जीनोटाइप है, कैसे है थ्री जीनोटाइप, और फिनोटाइप आपके दो ही हैं टॉल और डॉर्फ, तो टू फिनोटाइप हैं, ध्यान रखें यहां पर क्या है सेवन फिनोटाइप्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सेवन, और 27 जीनोटाइप है, जीनोटाइप आपको पुनेट स्क्वायर से निकालने पड़ेंगे, ठीक है, उसमें बहुत टाइम लग जाता। अब हम बात कर लेते हैं इस डिफरेंस की, ठीक है ना, उन दोनों के डिफरेंस की। चलिए एक एक करके करेक्टर उठा लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट लेते हैं कि इसमें जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये किसके बेस पर डिपेंड था, क्वांटिटी के बेस, क्वालिटी के बेस पर, क्वालिटी करेक्टर्स था, बी की संख्या पर डिपेंड था, किसकी संख्या पर, बी की संख्या पर डिपेंड था। ओके अच्छा ये किस पर डिपेंड था, ये था क्वांट आपकी क्वा सॉरी ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्वांटिटी 6B 5B, ये बी की जितनी मात्रा घटती बढ़ती है उतना ही मिलेनियम फॉर्मेशन का भी घटना बढ़ना होता है, तो ये क्वांटिटी के बेस पर है कि बी की कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, यहां क्वालिटी, यहां है क्वालिटी, क्वालिटी करेक्टर्स है, क्वालिटी मीन कैपिटल टी यहां भी आ जाएगा वो डोमिनेंट हो जाएगा, यानी करेक्टर प्रकट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं नंबर टू, ये हो गया नंबर वन, दूसरा बात करते हैं ये जो कंट्रोल होता है कंट्रोल्ड बाय मोर देन टू जीन, ठीक है ना, मोर देन वन जीन, या कह सकते हैं मोर देन वन जीन, देखिए कितनी जीन से, थ्री जीन से, बी बी वन और बी टू बी थ्री, यहां पर कितने ओनली वन जीन है, तो डिपेंड किस पे, वन जीन पर कंट्रोल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या तीसरी बात थी, फिनोटाइप कितने बनने थे, फिनोटाइप बनने थे हमारे सेवन, तो मोर फिनोटाइप, सेवरल फिनोटाइप बनेंगे, इसमें कितने बनेंगे आपके ओनली टू फिनोटाइप बनेंगे, टॉल और ड्रॉफ। ओके अच्छा दूसरी बात, इसमें ये कंप्लीट जो करेक्टर आएगा कब आएगा, जब सभी जीन जो हैं डोमिनेंट, एलील जो हैं सभी डोमिनेंट हों, ठीक है ना, तभी ये डार्क कलर आएगा, यदि एक बी भी कम हो जाता है तो डार्कनेस कम हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसमें कह सकते हैं कंप्लीट ट्रेट्स, ओके कंप्लीट ट्रेट्स एराइज बाय, या शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ऑल डोमिनेंट एलील्स, यानी सभी एलील्स आ जाएंगे डोमिनेंट तभी कंप्लीट ट्रेट डार्क प्रकट होगा, यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है, यहां तो केवल ये है कि एक टी आ जाएगा तो भी टॉल हो जाएगा, देखिए आप सिंगल टी का भी टॉल है और डबल पे भी, तो बाई यहां लिख देंगे बाई सिंगल डोमिनेंट एलील, केवल एक डोमिनेंट आ जाएगा तो आपका करेक्टर प्रकट हो जाएगा। ओके अच्छा और क्या है इसमें, इसमें इंटरमीडिएट ट्रेड्स भी बनता है, इंटरमीडिएट ट्रेड्स भी आता है, क्लियर हो गया, इंटरमीडिएट ट्रेड का मतलब हो गया कि इसमें जो मैंने आपको बताया कौन सा इंटरमीडिएट, बीच वाला, देखो सिक्स और जीरो के बीच में कौन सा है, ये वाला, ये इंटरमीडिएट करेक्टर पेरेंट्स में नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन यहां आप देखें यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है, यहां पर दो ही करेक्टर है जो पेरेंटल है, कौन से पेरेंटल, टॉल और डॉर्फ, टॉल और डॉर्फ, लेकिन यहां पर देखें जो पेरेंटल करेक्टर है, एक पेरेंटल करेक्टर ये है और एक पेरेंटल करेक्टर आपका ये था, इनके बीच हमने क्रॉस कराया था, तो ये इंटरमीडिएट आपके नए नए प्रकार के फिनोटाइप हमें प्राप्त हुए थे, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया आपका। और क्या है, जो एफ1 जनरेशन होती है वो कैसी होती है, इंटरमीडिएट कैसी होती है, इंटर मीडिएट होती है, इंटरमीडिएट मैंने बताया था आपको क्या था, बी वन बी टू
आपका बी टू एंड बी थ्री एंड बी थ्री किसके बीच क्रॉस कराया था, इन दोनों के बीच क्रॉस कराया था, डोमिनेंट डोमिनेंट एक तरफ से आया था और रिसेसिव एक इंटरमीडिएट कंपाउंड आपका करेक्टर स्किन कलर प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एबन में क्या था, एबन में केवल क्या था, डोमिनेंट करेक्टर प्रकट हुआ था, कैसा हुआ था, डोमिनेंट आपका प्रेजेंट हुआ था, कौन सा था डोमिनेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके एबन जनरेशन में। तो आपकी ये भी बात क्लियर हो गई है। और एफ टू की बात करें, ओके एफ टू में ये है कि दो करैक्टर आपके पेरेंटल हैं लेकिन इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा हैं वो पेरेंटल नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं हम कि आपके करैक्टर्स पेरेंटल बट अदर्स आर इंटरमीडिएट कह सकते हैं, ठीक है, अदर्स आर इंटरमीडिएट कह सकते हैं, ठीक है। एफ टू में कुछ ही आपके पेरेंटल थे, ठीक है ना, लेकिन यहां पर एफ टू में जो बात करें, यहां पर एफ टू जनरेशन में देखें आप, डॉर्फ ही है टॉल भी है, यानी दो ही करेक्टर मिलते हैं जो पेरेंटल हैं। तो यहां पर लिख देंगे आप कि रिजेंबल्स पेरेंटल करेक्टर, पेरेंटल करेक्टर यानी इंटरमीडिएट करेक्टर इसमें नहीं होगा। तो ये आपकी हमने बात करी आपकी क्वांटिटेटिव क्वालिटी, तो अर्थ क्लियर हो गया। मोनो में सिंगल जीन पर डिपेंड हो, सिंगल जीन क्या है आपका, हाइट का, किसका, हाइट का जीन है, केवल सिंगल जीन है हाइट का, जिसके टू एलील है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन यहां बात करें पॉलीजीनिक, यहां पर है स्किन कलर का, स्किन कलर का, लेकिन जीन कितने हैं आपके, थ्री, बी वन बी टू एंड बी थ्री, और एलील कितने हैं, सभी के टू टू एलील हैं, यानी थ्री जीन है, ओके। तो यह इसलिए हमने कहा पॉलीजेनिक, क्वांटिटी इसलिए कहा कि क्वांटिटी पर डिपेंड है, बी की मात्रा जितनी घटती बढ़ती है उतनी करैक्टर, यानी बी की क्वांटिटी जैसे घटती बढ़ती है वैसे वैसे करैक्टर स्किन कलर चेंज होता है। यहाँ पर क्वालिटी में क्या है, क्वालिटी में यह है कि ओनली बी करैक्टी कैपिटल आ जाएगा तो वो अपनी क्वालिटी 100% शो करेगा, चाहे हेटरोजाइगस में आए चाहे होमोजाइगस में आए, ठीक है। तो ये वीडियो समाप्त होती है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सभी फ्रेंड्स को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। और आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे मेरी आपकी नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू।